हेलो विवेक। चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। हेलो। विवेक हाँ जी, कैन इज इट? हाँ बैठो। नाम तो बताया नहीं आपने अपना। मेरा नाम सोनिया खटाना है, बताइए। खटानिया जी, कैसी हैं आप? बस हम बढ़िया हैं, आप सुनाओ। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। यहाँ क्या कर रही हैं खटाना जी आप? ड्यूटी से मेरा लंच टाइम था तो सोचा थोड़ा इधर बैठ लेता। वैसे आप काफ़ी अच्छी लग रही हैं। अच्छा, तो आप यही काम करते हैं कि कुछ और भी करते हैं? नहीं, मतलब आपको मैंने देखा, मैं उधर था तो मैं चला आया। मैंने कहा क्यों ना हम आपसे बात करते हैं। अच्छा, अच्छा है, कुछ लोग हमारी भी मतलब रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, हम आपके बिल्कुल, पुलिस वालों की तो हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर सोनिया नाम हो तो हम और ज़्यादा करते हैं। अच्छा, क्यों सोनिया आपकी बहन का नाम है? नहीं नहीं मेरी महबूबा का नाम है। अच्छा, मतलब थी पहले, अब तो नहीं है। अच्छा, लो एक्चुअली बस ज़्यादातर लोग ये होता है ना कि हाँ भाई, घर में फैमिली मेंबर का नाम किसी का होता है तो ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। नहीं नहीं वो तो महबूबा का भी हो सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, और आपकी तो शायद तीन चार होंगी। हमारी तो अभी तो फिलहाल है, और अभी एक इरादा है। हाँ तो अच्छा छोड़िए ना, घूम रहे हो तो पार्क में हम ऐसे चार और मिल जाए शाम तक। हम तो पाँच की तलाश में है लेकिन मिल ही नहीं रही है ना, प्रॉब्लम तो ये है। चलो ढूंढो। वैसे आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। तो फ्लर्ट कर रहे हो तुम हमसे? हम फ्लर्ट नहीं कर रहे, हम तो आपसे बता रहे हैं आपकी सच्चाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, हम यकीन के साथ कह रहे हैं यार। मतलब आपका आपका जो तरीका है बात करने का, मेरे को अच्छा लगा। फ्लर्ट आप कर रहे हो जिसके साथ कर रहे हो तो देख तो लो पहले सामने है कौन। सामने कौन है? एक लड़की बैठी है मेरे सामने, और क्या है। फिलहाल वर्दी में हूँ, पुलिस वाली हूँ, आपको अंदर भी कर सकती हूँ। कर दीजिए आप अंदर, अगर आप अंदर करना चाहती हैं तो। हमारा जुर्म क्या है ये बताइए? नहीं, हमारा जुर्म क्या है? फ्लर्ट क्यों कर रहे हो आप मेरे से? आप ये तो देखो, ड्यूटी पर एक लड़की है, उसके साथ में आप फ्लर्ट कर रहे हो। हमारा जुर्म क्या है ये बताइए? यही जुर्म है आपका, ड्यूटी पे आप एक लड़की को फ्लर्ट कर रहे हो। आप उसके बारे में जानते नहीं हो, कुछ नहीं हो। हम आपके बारे में जानते नहीं है, कुछ नहीं है। जान पहचान है? अंदर हम आपको दो मिनट में डाल देंगे, बस पूरा फ्लर्ट आप करते रहना। अंदर भी बहुत मजा आता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जहाँ चाहे वहाँ करवा दीजिए। बस आप, हम सच बोलें तो हमें आपसे मोहब्बत हो गई है पहली बार में। आपके जैसे आशिक पूरे दिन में पता नहीं कितने मिलते हैं, और कितनों को तो अंदर करते हैं, और अंदर जाते ही सारा भूत उतर जाता है उनकी आशिकी का। आपका भी ऐसे ही बस उतार देंगे हम भूत एक मिनट में। कोई बात नहीं, बाहरी जिप्सी लगा रखी है हमने अपनी। ये तो हम थोड़ा चले आए थे यहाँ सुस्ताने, और आप जैसे आशिक पूरे दिन पार्क में ही घूमते हैं, और पार्क में ही ड्यूटी लगी हुई है हमारी, इसीलिए। यार ऐसा भी मत करिए यार, हम आपसे मोहब्बत करते हैं और आप हैं कि हमें धमका रही हैं। नहीं, धमका नहीं रहे हैं, खाली समझा रहे हैं कि ये फ्लर्ट करना, ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं, आप अपने काम में ध्यान। अच्छा, आपका बॉयफ्रेंड है कोई? नहीं, हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। फीलिंग तो आपको भी आती होंगी, मतलब आप पुलिस वाली हैं तो आपको फीलिंग नहीं आती है, मेरे को ये बताइए बस। वो अलग, एक अपनी पर्सनल एक लाइफ होती है, वो ड्यूटी के बाद होती है, ड्यूटी पर नहीं होती है। अच्छा, ड्यूटी पर नहीं होती है, कोई बात नहीं। तो ड्यूटी, अभी तो आप लंच पे आई हैं, तो अभी ड्यूटी कहाँ है? नहीं, ड्यूटी ही है, लंच टाइम तो खाली 10 मिनट का ही मिलता है ना, कि बस आप खाना खाओ वापस ड्यूटी पर आ जाओ, तो ड्यूटी पर ही है। और यहाँ पर ये ड्यूटी ही है हमारी, कि यहाँ पे कोई बेफालतू लड़का ना घूम रहा हो। अच्छा, कोई लड़का लड़की ना यहाँ पे बेफालतू बैठे। अच्छा, वो जो लड़का लड़की का प्रेम प्रसंग चलता है इस टाइप का क्या? और पार्क है तो आप जैसे लड़कों के साथ छीना झिपटी भी हो जाती है, तो वो सारा देखना सब हमारा ये काम है यहाँ पर। कोई बात नहीं, आपने तो हमारा दिल छीन लिया, आप बताइए क्या गुनाह है हमारा? यही गुनाह है आपका कि ड्यूटी पर आप एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, बस इसी की वजह से हम आपको अंदर डाल सकते हैं। आप डाल दीजिए मुझे अंदर, लेकिन हमें आपसे मोहब्बत हो गई, या तो आप हमारा मोहब्बत कबूल करिए या तो मुझे अंदर डाल दीजिए। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, मुझ में कमी क्या है? कहाँ से कैसे घूम रहे हो? मैं कौन हूँ? मेरा नाम विवेक है, और कमाता खाता भी अच्छा खासा हूँ, और कोई बात और तो छोड़ो यार, वो सब सेकेंडरी चीजें हैं, बाकी हैंडसम भी हूँ और आप भी प्यारी हैं। खाली नाम से और हैंडसम होने से नहीं होता है ना भाई कुछ भी। मोहब्बत करते हैं, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लर्ट व्लर्ट सब अपनी जगह, अब ये फ्लर्ट नहीं रहा, अब ये बदतमीजी होती जा रही है। हम आपसे इतनी देर से मना कर रहे हैं, अब हमें ड्यूटी में यहाँ पे उल्लंघन डाल रहे हो, अब हम आपको इतना मार मरवाएंगे, अभी कॉल करेंगे, अभी अंदर आ जाएंगे, आपको ले जाएंगे उठा के, फिर आपकी ये सारी बदतमीजी निकल जाएगी। हम आपको बता दे रहे हैं, आप यहाँ पे आराम से तरीके से चले जाइए, वरना अब हम कॉल करके आपको इतनी मार लगवाएंगे, इतना पिटवाएंगे कि जिंदगी में फ्लर्ट करने लायक नहीं रहोगे आप यहाँ।
आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है। गुस्सा इसलिए कर रहे हैं कि हम प्यार से समझा रहे हैं, आप यहाँ से जाइए, हमें ड्यूटी करने दीजिए। हमें समझना ही नहीं, हम आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हैं हमें आपसे मोहब्बत हो गई है। आप ऐसे नहीं मानेंगे फिर? अब जैसे आप हमें समझाना चाहती हैं वैसे कर देते हैं, फिर आपको ले जाएंगे अंदर, फिर आप सोचिएगा आपको क्या करना है। आप फोन तो बाद में कर दीजिएगा, पहले तो हमारी मोहब्बत एक्सेप्ट कर लीजिए। वो तो खैर होगा ही नहीं, अब आपको कॉल कर बुलाया जाएगा, कॉल करके अपने साथियों को, वो आपको अंदर डालेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि बताओ आज की अब क्या होती है, तब आप बताना आज की और फ्लैट। अच्छा, आप जहाँ मतलब जिस स्टेशन पे हैं आप, जहाँ भी आप वर्किंग हैं, और भी ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं? हाँ बहुत है हमारे जैसी, आप चलो अंदर वहीं फ्लैट करना फिर। हम पहले आप मार खाना फिर आप फ्लैट करना। आप हमें मारेंगी? आप हमें मारेंगी प्यार से? नहीं, मारने के लिए हमने रखे हुए हैं ना। अच्छा, वो मारते हैं आपके जैसे आशिकी के, जो आशिक घूमते रहते हैं उनका भूत उतारते हैं। यार हम मजनू हैं तो लैला भी तो होनी चाहिए ना कोई ना कोई। हाँ तो लैला आपके लिए बनी होगी ना, आप नहीं रुका जा रहा, आप अपने माँ बाप से बोलिए आपके लिए लैला ढूंढ के ला के देंगे। लेकिन मुझे तो ऐसी लड़की पसंद है ना, आप जैसी, वो भी पुलिस वाली, हट्टी कट्टी एकदम रॉयल एटीट्यूड। ठीक है ना, ड्यूटी पे क्यों परेशान कर रहे हो आप किसी को? हम परेशान कहाँ, मतलब हम अपने दिल का हाल बयां करना गुनाह है क्या? आप ऐसे करिए, बुला लेते अपने साथियों को, थाने चलते हैं, आपको वहाँ पे हम अपना एड्रेस वेड्रेस लिखवा देंगे, आप घर आइएगा फिर मम्मी पापा से बात कर लीजिएगा। आप यहाँ ऐसे सरेआम क्यों अपनी आशिकी दिखाते फिर रहे हो सबको? अभी खुद ही कह रहे हो कि हम तो सोच रहे 4-5 ढूंढ ले शाम तक। नहीं नहीं, हम बस ये आखिरी है, या तो आप मानो या तो हमारा दिल तोड़ दो। मानने का तो खैर सवाल ही नहीं है, मैं ऐसे करती हूँ कॉल करके अपने साथियों को बुला लेते हैं। तो आपके साथी हमारा खातिरदारी करेंगे? हाँ, वो आपकी खातिरदारी करेंगे, वो भी बहुत अच्छे से करेंगे, कसम से। सच्ची में? हाँ। कैसे करेंगे? और इतनी खातिरदारी आपकी होगी कि आगे से तो आप ये तो करोगे नहीं, पुलिस वाली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। क्या है, पुलिस वाली आदमी नहीं है क्या? हाँ, होती देखो है, हम एक तो यूपी से हैं, देखो एक तो हम यूपी से हैं, दूसरे हम लखनऊ से, तीसरे हम नवाब। अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया, मैं इतनी देर से कह रही हूँ चले जाओ, तुम चाहे कहीं से हो, यूपी से हो, कहीं से, बिहार से हो, हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम जानते नहीं हो अभी मैं कौन सी पोस्ट पे हूँ और तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। अभी आएंगे पुलिस वाले, बहुत मारेंगे तुम्हें, करियर तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, कितनी धारा लगाऊंगी तुम्हें भी नहीं पता। इतनी लगा दीजिए धारा, ये छोड़िए ना। तो ठीक है, तो फिर तुम्हें यही पसंद है तो मैं बुला लेती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आप हमें जहाँ, सुन आप मुझे जहाँ ले जाना चाहती हैं वहाँ ले जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप हमारी मोहब्बत कबूल कर लें। आई लव यू, हम आपसे प्यार करते हैं। प्यार से समझा रही तुझे, अब तू जा, नहीं तो करियर खराब हो जाएगा। अभी तुम्हारी उम्र है संभलने की। कोई बात नहीं, मैं नहीं संभलना चाहता, आई लव यू। आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? अब तुम ऐसे मानोगे ही नहीं, मैं ऐसे करती हूँ बुला लेती हूँ, तुम पे जब लगेगी ना 8-10 धारे, जब करियर तुम्हारा खराब हो जाएगा तब तुम मान जाओगे। इतने प्यार से समझा रही हूँ, आप बुला लीजिए चाहे प्रधानमंत्री को, लेकिन हम मानेंगे नहीं। ठीक है तो मैं बुला ही लेती हूँ, तुम्हारी खुराक मैं ही दूंगी, तुम्हें तो मैं ही खुराक, मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगी। नहीं नहीं, पहले तो तुम्हें मैं ही तुम्हें यहाँ पे मारूंगी, तब तुम सुधरोगे नहीं, फिर मैं उनको बुलाती हूँ। फिर वो जब लगाएंगे ना तुम पे इतनी इतनी धारा और तुम्हें ले जाएंगे यहीं से घसीटते हुए, तो तुरंत ही सुधर जाओगे। आप हमें मारेंगी? हाँ मैं मारूंगी। मारिए ना मुझे प्यार से, ऐसे तुम मानोगे? मारिए ना मुझे, बहुत हो गया तेरा। अब तू पिटेगा, मेरे से भी पिटेगा और उन लोगों से भी पिटेगा। इतने प्यार से समझा रही हूँ मैं, कितने किस पोस्ट पे हूँ और मैं ड्यूटी पर, इस टाइम मेरा टाइम वेस्ट मत कर, अब तू निकल यहाँ से। मुझे नहीं निकलना, छोड़िए ना। जाना तो पड़ेगा ही। नहीं जाऊँगा, या तो आप मेरी मोहब्बत कबूल करेंगी या तो फिर मैं ऐसे यहीं बैठा रहूँगा। मैं यहाँ पे ड्यूटी इंचार्ज हूँ, मेरा टाइम वेस्ट मत कर, तू जाए यहाँ से। मैं आपके साथ आपके घर चलूंगा। नहीं नहीं, आप मुझे अपने साथ घर ले चलो। क्यों बिना मतलब कि मेरा टाइम भी वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा है। आप मुझे अपने घर ले चलो ना, ये तो घर पॉसिबल ही नहीं है, तू भूल जा, अब तू निकल यहाँ से। आप मुझे अपने घर ले चलो ना। ना ना ना, आप मुझे अपने घर ले चलो, की आंखों से मोहब्बत हो गई है। अब तुम ऐसे मानोगे ही नहीं, एक तो तुमने मेरा इतने देर खराब कर दिया, तुम्हें पता है मैंने, आप अकेले ही तो बैठी थी, आप इतना गुस्सा, ऐसे मानोगे ही नहीं। चलो अब मेरा हाथ क्यों पकड़ रही है? चलो मुझे फीलिंग आ जाएगी ना, आप समझो। मुझे दिलाते हैं, ढंग से फीलिंग दिलाते हैं। मुझे मत पकड़िए ना, अच्छा नहीं लग रहा है कसम से। अच्छा बैठिए, मैं चल रहा हूँ। ना ना ना, अब तुम्हें हम फीलिंग ढंग से दिलाएं। कहाँ ले चलेंगे आप मुझे? आप खड़े हो। अच्छा ले कहाँ चलेंगे? मैं अपने घर ले चलती हूँ ना तुमको, आ जाओ। अच्छा अपने घर ले चलेंगे, पक्का? पक्का पक्का। फिर आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगे? हाँ, अब तुम खड़े हो जाओ, आ जाओ। अच्छा, मैं अपने घर वालों से भी मिलवाती हूँ। अपनी मम्मी से मिलवाएंगे? हाँ, शादी की बात करेंगे हम? हाँ बिल्कुल, पक्का ना? चल, अगले महीने फिर आप बारात लेके आएंगे? बिल्कुल, बारात लेके हम डीजे बना जाएंगे। मैं ये गाना गाऊंगा फिर। आधी बारात तो तुम्हारी अभी निकालेंगे हम अपने दोस्तों के साथ में, आधी फिर बाद में निकालेंगे। तो अभी आप मुझे कहाँ ले चलेंगे? अभी बता तो रही, अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगी तुम्हें। अच्छा रिश्तेदारों के पास? उन्हें तुम्हारा रिश्तेदार बनवाऊंगी, फिर आधी बारात निकालेंगे हम, फिर आधी बाद में निकालेंगे। फिर हम आपको तोड़ेंगे,
फिर मरोड़ेंगे, फिर आपका ये सारा आशिकी का भूत उतर जाएगा। मतलब आप मुझे तोड़ेंगी भी और मरोड़ेंगी भी, और प्यार भी करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप खड़े हो जाओ क्योंकि आपने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। मैं ड्यूटी यार, आप मेरा हाथ पकड़ रही है, मुझे फीलिंग आ रही है कसम से। हाँ तो सच्ची में आ रही है, पूरी फीलिंग लो आप, आपकी सारी फीलिंग, फीलिंग आ रही है कसम से, सारी फीलिंग निकालेंगे आपके। आप खड़े हो जाइए, आप जबरदस्ती कर रही है। चलिए जबरदस्ती, छोड़िए ना, बाहर बताएंगे आप। चलिए अच्छा, कहाँ ले चलेंगी आप मुझे? अब आपको हम थाने ले चलेंगे। अच्छा छोड़ दीजिए ना, बिल्कुल भी नहीं आपको इतना टाइम। आप मुझे जब से समझ रहे हैं आपकी गाड़ी का भूत तो ना मुझे आप नहीं, अब तो छोड़ो ना, तो सॉरी बोल दो, माफी मांग लो। मैं माफी नहीं मांगूंगा, आप मुझे जहाँ ले चलना चाहते हैं चलिए, हम भी चलते हैं आपके साथ। माफी नहीं मांगोगे तो तुम अब सबके सामने माफी मांगो। बड़ा आपसे प्यार करते हैं आप, हम जहाँ ले जाना चाहिए आप मुझे वहाँ ले जाइए। अच्छा आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? हम चल रहे हैं ना, आप क्यों मेरा हाथ पकड़ी हुई है? मुझे फीलिंग आ रही है कसम से सच्ची में। हाँ पूरी फीलिंग आपको दी जाएगी थाने में खातिरदारी के साथ। एंड आई लव यू, सच्ची मोहब्बत करते हैं आप। आप हमारा दिल, आप हमारा दिल क्यों तोड़ रही हैं? आप हमारा दिल तोड़ रही हैं, आप हमारा दिल तोड़ रही हैं। खातिरदारी बढ़िया से होगी अब आपकी। आप क्यों ऐसा कर रही हैं हमारे साथ यार? आप ऐसा नहीं कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो खातिरदारी कर रहे हैं आपकी। आप हमसे, आपके रिश्तेदारों से मिलवाएंगे। कोई नहीं, आप मुझे जहाँ चलना चाहती है वहाँ ले चलिए, बट आई लव यू। ये कहाँ मुझे ले चल रही हैं? अरे खातिरदारी कराएंगे ना। क्या कर रही हैं आप हमारे साथ? तो कुछ अच्छा समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल खातिरदारी की जाएगी, बैठो तुम चुपचाप। अरे क्या कर रही हैं आप हमारे साथ? तुम्हारी खातिरदारी की जाएगी। अच्छा कहाँ ले, तो कहाँ ले चल, कहाँ ले चलो? तुम्हारी ससुराल लेके चल रहे हैं ना? सच्ची में? बिल्कुल। फिर पापा से बात कराओगी अपने? हाँ बिल्कुल, पापा चाचा ताया सब होंगे वहाँ पे, सब आपकी खातिरदारी की जाएगी। आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तोड़ा जाएगा, थोड़ी जाएंगे। अब धमका क्यों रही है मुझे इतना? आप कहने से तो आपको समझ में नहीं आया ना। कोई बात नहीं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं तो इतना हम आपके लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा सुनिए, एक मिनट सुनिए तो, आप इतना गुस्सा गुस्सा क्यों हो रही हैं? अब तेरे को बताती हूँ वहीं पर जाकर, तूने किससे पंगा लिया है और किसका तूने टाइम वेस्ट किया। अरे सुन तो लीजिए, आप नाराज क्यों हो रही है? हम आपसे प्यार करते हैं, सुन लीजिए। हाँ हमने सुन लिया है। अब क्यों इतना गुस्सा कर रही है आप? सुन तो लीजिए। अरे अरे इसकी, अरे लिसन, एक मिनट, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? माफी मांगनी है तो मांग ले अभी। अच्छा मेरी बात तो सुन लीजिए, हम आपसे सॉरी बोल दे। हाँ आप मेरी गर्लफ्रेंड मत, अभी उतार दूंगी, नहीं तो फिर देखो, देखो जाओगे और खाते। देखो थाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी सुन तो लो पहले। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? जल्दी बोलो, बहुत तुमने हमारा टाइम वेस्ट कर लिया ड्यूटी। आई लव यू, आई लव यू, ये हम सुन चुके हैं बहुत बार। आपको थाने चलना है तो ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। प्यार करता हूँ आप क्यों? अब तुम चुप बैठो, अब हम तुम्हें लेकर ही चलते हैं, तुम अभी भी नहीं सुधरोगे। अब इतना गुस्सा क्यों कर रही है? खामखाम से मेरी मोहब्बत एक्सेप्ट कर लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? क्यों खामखाम में अपना मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुम्हारे घर वाले थाने में आएंगे, शर्म महसूस करेंगे वो। आई लव यू, तुम ऐसे नहीं। अच्छा रुक जाओ, एक मिनट, गाड़ी क्यों आप इतना उतावली है बढ़ाने के लिए? टाइम नहीं है हमारे पास, मैं आगे आ जाऊंगा। एक मिनट, नाराज मत होइए। कैसा बदतमीज लड़का है, देख नहीं रहा ड्यूटी पर हूँ। आई लव यू, हो गया तुम्हारा। अब तुम ये बताओ, माफी मांग रहे हो कि तुमको थाने लेकर के जाए? अच्छा चलिए सॉरी, ऐसे सॉरी एक सॉरी से नहीं होगा। अब क्या पैर आप बोलो, अब क्या पैर पकड़े? सॉरी, आगे से मैं किसी लड़की के साथ ऐसे फ्लर्ट नहीं करूंगा। आगे से मैं हमेशा ऐसे ही फ्लर्ट करूंगा, तुम ऐसे नहीं। अच्छा रुक जाओ, इतना क्या आप डरा रही है मुझे यार? हाँ तो बोलो सॉरी, आगे से किसी लड़की के साथ हमेशा, आगे से हम ऐसे पुलिस वालों के साथ हमेशा प्यार करेंगे। अच्छा एक मिनट, अरे एक मिनट सुन तो लीजिए, एक बार आप कांच गिराइए। हाँ जी बोलिए। उधर हम आपके साथ एक मजाक कर रहे थे, उधर हमारे पीछे पीछे देखो, वहाँ एकदम कोने पेड़ के पीछे बंदा कैमरा लेके लगाया हुआ है। तुमको हम ही मिले थे ये करने के लिए ड्यूटी पर? मजा आ गया कसम से। अब तुम मुझे अब तुम्हें इसका तो खामियाना तो देना पड़ेगा फिर। अच्छा क्या खामियाना है बताइए ना। अब तुम हमसे माफी मांगो फिर से। फिर से मांगे? I'm so sorry। और आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे किसी पुलिस वाले के साथ। आगे से भी हम ऐसा ही करेंगे। अच्छा मेरी बात सुनिए तो, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अपने इतना टाइम हमारा यहाँ पे वेस्ट करा ड्यूटी पर, अगर किसी को पता चल जाता तो हमारी ड्यूटी भी खतरे में आ जाती। अरे कोई ना, बहुत प्यारी हैं यार, हम सच बोल रहे हैं। अच्छा एक कॉफी पी लीजिए ना हमारे साथ, इतना अभी, अभी तो हम ड्यूटी पर हैं। एक कॉफी की बात, अभी तो एक कॉफी की बात है। देखो इतना भी आप मना, हम साथ में पास में रेस्टोरेंट है, एक कॉफी की बात है। चलो हम फिर परमिशन अच्छा, लेके फिर बताएंगे। नंबर देंगे आप हमें? नहीं नंबर दे दीजिए। अच्छा आइए ना, कॉफी पीते हैं फिर। ठीक है, आगे से आप ऐसे नाराज तो नहीं है? नाराज तो नहीं है ना?
ठीक है हमारी तरफ से आई लव यू। आपको बॉयफ्रेंड है कोई? हाँ बॉयफ्रेंड है मेरा। अच्छा जब ब्रेकअप होगा तो मैं कहूँ नहीं, ब्रेकअप नहीं होगा, हो जाएगा सच्ची में। एंड आई लव यू, बाय।